हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाय ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें करना है इंटीग्रेशन, तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करना चालू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको टी कंसीडर करेंगे। तो टी हम किसके किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे करेंगे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x को हमने टी कंसीडर कर लिया। इसका अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करते हैं, डी टी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई के पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब e के पावर 2x का डेरिवेटिव आ गया 2e के पावर 2x प्लस, अब e के पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पे dt अपॉन में dx क्या आ जाएगा, dt अपॉन में dx आ जाएगा 2e के पावर 2x माइनस 2e के पावर माइनस 2x। इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे dt की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 2 इक्वल्स टू e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx, ये आया। अब e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x डिवाइड बाय e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, क्या था हमारे पास, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x डिवाइड बाय e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x dx। अब देखो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt अपॉन में 2, तो यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे रखेंगे dt अपॉन में 2, डिवाइड का साइन लगाएंगे, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को हमने क्या कंसीडर किया है, इसको हमने t कंसीडर किया है। देखो इसको हमने t कंसीडर किया है ना, तो यहाँ पे हम t रखेंगे, यहाँ पे हमने t रखा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन में 2t। अब 1/2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 1/2 को हमने बाहर निकाला, फिर क्या आ जाएगा, dt अपॉन में t। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, उस फॉर्मूले को लगाएंगे, 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू log एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, और dt अपॉन में 2 को, dt अपॉन में t को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log t प्लस सी, और हमने t किसको कंसीडर कर रखा है, t हमने कंसीडर कर रखा है log e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस सी। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।